हेलो फ्रेंड, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से आज जो मैं वीडियो लाया हूँ ये बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू मैं जितने भी बड़ी आईटी कंपनीज हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो जो परसेंटेज क्राइटेरिया रखते हैं स्टूडेंट्स के लिए, खास करके जब वो मास रिक्रूट करते हैं, तो ये जो क्राइटेरिया ना रखे बल्कि वो मेरिट बेसिस पे ले तो वो ज्यादा बेटर होगा। और खास करके जो वो परसेंटेज क्राइटेरिया बिल्कुल 10th 12th ग्रेजुएशन और एमसीए या बीटेक सभी के लिए रख देते हैं, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो उसमें जो है उसको अप्लाई ही नहीं कर पाते हैं। जैसे अगर हम बताएं कि बहुत सारे ऐसे इंडियन स्टेट्स हैं जहां पर अगर बच्चा स्टेट बोर्ड से 10th 12th करता है तो उसको 60% भी मार्क्स लाना बहुत भारी पड़ जाता है। मतलब वहां इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स भी 70% जो है 75% से ज्यादा मार्क्स नहीं ला पाते हैं। जिस तो आप सोच सकते हैं कि वहां पर जो स्टूडेंट है उनके लिए 60% लाना कितना मुश्किल है, खास करके मैं अगर बात करूं 10th 12th में जो कि स्टेट बोर्ड का है। तो यहां पर बच्चे जो है फंस जाते हैं, और फिर बेचारे अगर जब बीटेक करते हैं या एमसीए करते हैं तो कहीं ना कहीं, या जब वो करना चाहते हैं बीटेक या एमसीए तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में रहता है कि मेरा 50% से कम मार्क्स है या 60% से कम मार्क्स है तो क्या मुझे जो है अच्छी कंपनी में जॉब लगेगी। और फिर क्या होता है कि बहुत इंटेलिजेंट होते हुए भी वो उस फॉर्म को अप्लाई नहीं करते हैं, और कई बार उनके मन में इच्छा होती है तो भी वो उस कोर्स को करने के लिए नहीं जाते हैं। क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो बीसीए के हैं, एमसीए के हैं, बीटेक के हैं, हमारे पास लगातार फोन आ रहा है कि सर मेरे जो है 50% मार्क्स है तो क्या मेरे लिए एमसीए करना अच्छा होगा, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो तो 60% मार्क्स मांगती है। इवन 10th 12th के बच्चे बेचारे डरे हुए हैं, और वो 10th 12th के बच्चे पूछते हैं जिनको आगे जो है बीटेक करने का शौक है या एमसीए करना चाहते हैं, तो पूछते हैं सर हमारा तो जो है 60% से कम है। तो लोग बोल रहे हैं कि 60% से अगर आप कम है और आप जो है आईटी कंपनीज में जाओगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, आप फॉर्म नहीं भर पाओगे, आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। इस तरह के बहुत सारे जो डर है वो बच्चों के मन में है जो कि अभी पढ़ना भी स्टार्ट नहीं किए हैं, खास करके इस तरह के प्रोफेशनल कोर्स। तो मुझे जहां तक लगता है जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो हमारे जो है इंडियन स्टूडेंट्स हैं, उनको ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज हैं, जो भी ये कंपनी जो प्राइवेट कंपनीज हैं इनको मेरे हिसाब से ऐसा क्राइटेरिया नहीं रखना चाहिए। इनको मेरिट बेसिस पे जो है मेरिट बेसिस पे इनको सिलेक्शन करना चाहिए। चाहे आप अपना एंट्रांस थोड़ा और ज्यादा आप टफ कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा और अपना जो है जो नंबर ऑफ राउंड्स है उसको आप बढ़ा लें, बट मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप सभी बच्चों को अप्लाई करने दें, सभी बच्चों को फॉर्म भरने दें। क्योंकि कई बार मैं ऐसे देखता हूं कि अच्छे अच्छे बच्चे जो उनका लॉजिक काफी अच्छा है, वो 10th 12th पे मार्क्स कम आया पर दे आर वेरी गुड इन एमसीए, वेरी गुड इन बीटेक, बहुत अच्छा उनका लॉजिक है, बहुत अच्छा वो कंप्यूटर जानते हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाते हैं, बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट बना रखे हैं, बट कहीं ना कहीं उनके मन में जो एक ड्रीम होता है कि मैं बड़ी कंपनियों में जो है जो आप एज ए फ्रेशर में बड़ी कंपनी में एंट्री करूं, और वो जब नहीं कर पाते हैं तो कई बार बच्चे जो है डिमोटिवेट हो जाते हैं। और मुझे देख के बहुत खराब लगता है, और मुझे देख के अच्छा नहीं लगता है कि बच्चे जो है फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। एक बार वो अप्लाई करे उसके बाद सिलेक्शन हो चाहे नहीं हो, पर जब अप्लाई करते हैं तो कम से कम उनको ये रहता है कि सेटिस्फेक्शन कि हमने अप्लाई किया, ठीक है। तो ये मैं जो है कंपनी से रिक्वेस्ट, मैं अपने बच्चों के लिए, अपने यूट्यूब के व्यूअर्स के तरफ से और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके तरफ से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जो इतनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है, कि आप प्लीज जो है ये मार्क्स का क्राइटेरिया हटा दें। ऐसा नहीं है कि आप मार्क्स का क्राइटेरिया, क्योंकि मुझे पता है कि मार्क्स का क्राइटेरिया जनरली जो है भीड़ को कम करने के लिए किया जाता है। तो मेरे हिसाब से इतनी बड़ी बड़ी आप कंपनी है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं रिक्रूटमेंट में, आप थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा खर्च कर सकते हैं रिक्रूटमेंट में। हो सकता है कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या मार्क्स के क्राइटेरिया हटा दे तो आपके जो ड्राइव है उसमें बहुत सारे बच्चे आ जाए, पर उसको आप मैनेज कर सकते हैं क्योंकि आपके पास रिसोर्सेस है, आपके पास जो है फंड की कमी नहीं है। तो मेरे तरफ से हर बच्चे को मौका मिलना चाहिए,
अपने जो है प्रतिभा को दिखाने का, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है, चाहे गूगल हो फेसबुक हो, ये भी अपना मार्क्स का क्राइटेरिया मुझे जहां तक लगता है ये नहीं रखते हैं, क्योंकि गूगल के मैंने देखा है, गूगल जॉब करियर में जाके बहुत सारे जॉब निकलते हैं, वहां पर कहीं भी मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं होता है। तो ये मेरा जो है बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है कंपनीज से कि मेरे हमारे बच्चों को, जो जिन बच्चों को, जो बच्चे एमसीए कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, या जो बच्चे इस तरह के कोर्सेज कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब को छोड़ के वो प्राइवेट जॉब में अच्छी कंपनी में काम करना चाह रहे हैं, तो उनको जो है आप जो है मौका दें और उन बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का जो है एक मौका जरूर दें। तो चलिए फ्रेंड, आई होप कि आपकी ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो शेयर करें, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें व्हाट्सएप में, फेसबुक में, ताकि ये बात जो है कंपनी तक पहुंच सके, कंपनीज के सीईओ तक पहुंच सके। और मुझे पता है कि ये जितने भी कंपनी है, इनके जितने भी सीईओज हैं, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे कंपनीज को बहुत आगे बढ़ा के ले जा रहे हैं। तो आई होप कि ये छोटा सा रिक्वेस्ट जो है ये कंपनी जरूर मानेंगे और हमारी बात जरूर रखेंगे। एक भले ही हम जो है कुछ भी नहीं है, अगर देखा जाए मैं अपना हम कि हम लोगों मतलब खास करके मैं देखूं अपना एग्जिस्टेंस तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, पर फिर भी मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं। और मैं ये रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूं कि कम से कम ये मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि चलो मैंने अपने बच्चों की तरफ से या अपने बच्चों के लिए मैंने कम से कम रिक्वेस्ट तो किया, चाहे वो रिक्वेस्ट जो है माना गया हो चाहे नहीं माना गया। पर आई होप, क्योंकि होप जो है हमेशा नहीं छोड़ना चाहिए, तो मुझे जहां तक लगता है कि ये रिक्वेस्ट जरूर माना जाएगा अगर आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है बताएंगे और कहीं ना कहीं ये वीडियो उन तक पहुंचेंगे। और हो सकता है कि इस तरह का कोई कदम जो है, इस तरह का कोई कदम उठाए जिससे हमारे बच्चों को बेनिफिट हो। तो चलिए फ्रेंड, आई होप कि आपकी वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।